ॐ नमः श्रीदेव्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदित्मना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अभी थोड़ी देर को ये बंद कर दो कूलर, है ना, चलेगा ना। मैं भी तो बैठा हूँ, तुम्हें तो केवल ताली बजाना, मुझे तो गला बजाना है ना, तो आवाज कम हो जाएगी। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कितने बजे टाइम क्या है? 9:30 बजे। आधा प्रवचन हो चुका। नहीं, लेट दोगे तो तुमको ही कम मिलेगा। वो भी जरूरी है, औपचारिकताएं। और वैसे भी नासिक वाले बहुत लेट सोकर उठते हैं, है ना। जो अपने माँ बाप के जगाने से नहीं जगे, वो हमारे जगाने से क्या जगेंगे। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। जीवन का एक सूत्र है, जीवन जीने का एक सलीका है, एक तरीका है। एक जिंदगी ऐसी भी जी जाती है, दोनों तरह के जीवन हुआ करते हैं। एक जिंदगी वो होती है जो रावण की तरह होती है, और एक जिंदगी वो होती है जो राम की तरह होती है। जिंदगी दोनों तरह से जी जा सकती है। एक जिंदगी आनंद से भरी होती है, और एक जिंदगी शिकायतों से भरी हुआ करती है। एक जिंदगी वह है जो आभार से भरी होती है, और एक जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए भार बन जाया करती है। एक जीवन वो होता है जिसमें बसंत ही बसंत होता है, और एक जीवन वो होता है जो पतझरों जैसा गुजार दिया करते हैं। एक जिंदगी वो है जो रो रो कर जी जाती है, और एक जिंदगी वो है जो आनंद की यात्रा बन जाया करती है। सोचना आपको है कि जिंदगी कैसे जीना है। इस संसार में आए हैं, चुनना हमें है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे बिताना है। रो रो कर भी बिता सकते हो, और हंस हंस कर भी बिता सकते हो। और मैं तो कहता हूं कि जिंदगी उस कबीर की तरह होना चाहिए कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, वैसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। जीवन क्या है सोचना है, जीना तो पड़ेगा। हंस के जी लो या रो के जी लो, काम तो करना ही पड़ेगा। हंस के कर लो या रो के, करे बिना तो कुछ होता नहीं है। एक शेर सुबह से उठता है, एक मृग सुबह से उठता है। शेर यदि सोच ले, मृग यदि सोच ले कि हमें कुछ नहीं करना है, तो वो जी नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, एक शेर सुबह से उठ के सोचता है कि भागूंगा तो जिंदा रहूंगा, भागेगा नहीं तो भोजन कैसे मिलेगा। शेर सोचता है कि भागूंगा तो जिंदा रहूंगा, और हिरण सोचता है कि भागूंगा तो जिंदा रहूंगा, यदि भागूंगा नहीं तो शेर मुझे मार करके खा जाएगा। अरे मेरे भाई, शेर बनो या हिरण बनो, डॉक्टर हिरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो सब उनकी तरफ देखने लगो। शेर बनो या हिरण बनो, जिंदगी में भागना तो बहुत जरूरी पड़ा करता है। हिरण को भी भागना पड़ता है, और शेर को भी भागना पड़ता है। अमीर हो या गरीब हो, बैठे बैठे दिन नहीं बदला करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। निठल्लों का कोई जीवन हुआ करता है क्या? कुछ ना कुछ तो करो। लेकिन एक बात याद रखो,
जो आज किया उससे ज्यादा कल करने का प्रयास करो, और जो कल किया उससे ज्यादा परसों करने का प्रयास करो, तो हमारा भागना सार्थक हुआ करता है, वरना ऐसी भाग दौड़ से कुछ नहीं हुआ करता है। एक बार क्या हुआ, जंगल में एक बार फैसला हुआ, निर्णय हुआ, प्रजातंत्र आ गया, और प्रजातंत्र आया तो जंगल के लोगों ने कहा इस बार शेर को हटाओ कुर्सी से, बोले कोई और राजा बनेगा, अब प्रजातंत्र में तो यही चला करता है। बोले क्या करें, बोले बहुमत जुटाओ। अब निकल गए सब लोग अपना बहुमत जुटाने में, बोले अब शेर राजा नहीं रहेगा जंगल का, तो बोले किसको बनाया जाए, तो बोले इस बार बंदर को राजा बना दिया जाए जंगल का। सारे जानवरों ने कहा ठीक है यार बंदर को राजा, बंदर भी इतना खुश हुआ, मजा आ गया कि अब अपने यहां के राजा बनेंगे। सब चुनाव हुआ, वोट डली, बंदर राजा बन गया। आजकल अधिकतर राजा बंदर ही मिलते हैं, ध्यान रखना, विचार करिए। बंदर राजा नहीं, यहां के राजाओं की बात नहीं कर रहा, यहां तो मुझे रहना है, तुम्हारी बात तो औरंगाबाद में करूंगा, और नहीं हो विश्वास तो आके सुन लेना, ध्यान रख, वहां तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, नहीं बिगाड़ तो यहां भी नहीं सकते हो। बंदर को राजा बना दिया। एक दिन की बात है, एक बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। अब बकरी क्या करे, बोले चलो राजा के पास। अब बंदर तो बैठे हुए थे डाली पे मस्त, बोले महाराज हे वनराज हे जंगल के राजा हे शक्तिशाली, मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ ली, मेरे बच्चे को शेर पकड़ा हुआ है, महाराज मुझे अभय दान दो, मुझे सुरक्षा दो। बंदर ने कहा अच्छा तेरे बच्चे को शेर ने पकड़ रखा है, बोले हाँ चल, बोले अभी छुड़ाता हूं। अब बोले कि बकरी ने कहा छुड़ाओ महाराज, आप नहीं छुड़ाओगे तो कौन छुड़ाएगा, है अभी कह दिया ना भंडारी जी ने कि हमारी गलती आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा। इस कुशल व्यापारी नंबर वन बिजनेसमैन 100% जैन, विचार करिए, कोई बात नहीं है, ये हमारा उनका नोकझोंक चलते रहता है। अब वो पहली नजर का प्यार है ना, चलते रहता है इजहार, कोई बात नहीं है। वो प्यार में फिर टकरार किस बात के, बोले कि हम सब कुछ किए, शादी है विवाह है, क्या दिक्कत है, 4 लाख सुने या 1000 लोग सुने, बोलना तो मुझे उतना ही है जितना बोलना है। और मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि 4 लोग रहें या 1000 लोग रहें, अपनी प्रतिभा को कभी कम नहीं करना, हमेशा प्रतिभा का उपयोग करते रहना। ये मत देखना कि 4 लोग हैं तो आज बोलने का मूड नहीं है, 1000 लोग हैं तो बोलने का मूड है। अरे 4 हों या 1000 हो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कभी कभी तो जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं, एक शेर को समझाने के लिए 2 मुनि महाराज पहुंच जाया करते हैं। मुनि 2 होते हैं और वक्ता 2 होते हैं और श्रोता 1 हुआ करता है। मैं तो किस्मत वाला हूं कि वक्ता अकेला हूं और श्रोता इतने सारे हैं। मैं क्यों गिनूं आपको, मैं 500 क्यों गिनूं, क्योंकि तुम तो दोनों कान से सुनते हो, तो मैं तो 500 को 1000 माना करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप तो 1000 लोग यहां बैठे हुए, और लोगों से क्या होता है, ध्यान रखना, जिंदा 4 और मुर्दा 1000, इनसे कोई जीवन का, 4 जिंदे 1000 मुर्दे को शमशान तक ले जा सकते हैं, लेकिन 1000 मुर्दे 1 भी जिंदा का कुछ भी। तो यहां जितने बैठे सब जिंदा दिल लोग बैठे हुए हैं, मुर्दों की सभा थोड़ी है, उठावनी थोड़ी चल रही है, हैं? तो ज्यादा घबराओ मत भंडारी जी, तुमको ज्यादा भीड़ चाहिए ना तो दीक्षा ले लो, मैं यहां भीड़ कराता हूं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा प्रवचन हो जाए ना फिर दीक्षा का कर, नहीं वो तो उठने ही लगे कि दे दो, वैसे भी अब बचा क्या, दीक्षा जैसी तो है आपका रखा है, करना ध्यान रखना, विचार करना है आपको। शेर के बंदर के पास फैसला गया, बंदर ने कहा चलो मैं बचाता हूं तुम्हारे बच्चे को। जैसे ही गया बंदर इस डाली पर गया, उस डाली पर गया, यहां कूदा वहां कूदा, यहां कूदा वहां, कहते सुबह से शाम छलांग लगाते रहा। बकरी ने कहा मेरा बच्चा भी बचाया गया, कूदते ही रहेगा। बोले देख 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 तूने मुझे राजा बनाया सब जंगल वालों ने, बोले हाँ, तो बोले देख तेरा बच्चा बचाना है। बकरी ने कहा बचाओ, तुम तो छलांग ही लगा रहे हो। बंदर ने कहा देख बकरी, तेरा बच्चा मरे या जिए मेरी मेहनत में कोई कमी है। अब बंदरों को राज दोगी तो यही दशा होगी और क्या होगी, मेहनत तो पूरी है लेकिन होने वाला, बोले मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बता। तो ऐसी फोकट की मेहनत मत करो कि मेहनत भी हो और हाथ में कुछ भी,
ना आए, ध्यान रखना, सार्थक मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो, ऐसी जिंदगी को बनाओ जिसका हल हमारे पास आता हो, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता हो। आदमी के पास भाग दौड़ है, भाग दौड़ है, भाग दौड़ है, भाग रहा है, जी रहा है, चल रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, नोट ले रहा है। अभी रास्ते पे मैंने देखा, मैं आ रहा था कल यहां से, एक आदमी भागा जा रहा, भागा जा रहा। अरे मैंने कहा, ओ भाई जरा रुक जा, कहां जा रहा है? उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा, तू भाग कहां रहा है? बोली, वो आगे वाला भाग रहा, उसके पीछे मैं भाग रहा हूं। तो मैंने कहा, कमाल है यार, उसको भी नहीं पता क्यों भाग रहा, उसके पीछे दो चार और भाग रहे। मैंने पूछा, तुम कहां जा रहे? अरे बोले, रुको, अपना प्रवचन मत करना, हम तो वहां जा रहे जहां वो जा रहा है। तो सारी दुनिया एक दूसरे के पीछे भाग रही है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। हमारी सुबह शाम की दौड़ भी यही हुआ करती है, हम भागते तो बहुत हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। भागम भाग मची है, भागम भाग मची है सब जगह। ध्यान रखना, आदमी को जीवन कैसे जीना है, एक बात याद रखना, एक ठहरा हुआ जीवन भी होता है और एक भागा हुआ जीवन भी होता है। नदी का जीवन भागता हुआ होता है और कुएं का जीवन ठहरा हुआ करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नदी भागते जाती है, भागते जाती है, भागते जाती है, आगे जाकर के मीठा जल खारा हो जाता है और कुआं ठहरा रहता है, रोज रोज मीठा का मीठा रहा करता है। जीवन को ठहरने का प्रयास करिए, ठहर जाओ। क्या मंत्र पढ़ गए उसके कान में? हाँ हाँ, अच्छा, मुझे नहीं मालूम नासिक वाले इतना ऊंचा सुनते हैं, कमाल हो गया। लोग मुझे कहते, जी धीरे बोला करो, धीरे बोला करो, यहां तो कहा जा रहा जोर से बोलो, जोर से बोलो, बड़ी गहरी नींद सो रहे हो। एक जगह मैंने कहा कि कुंभकर्णों को जगाना जरूरी है, तो मेरे बाजू में एक मिनिस्टर आया, बोले, महाराज कुंभकर्णों को सोने ही दो, इनको जगाने से नुकसान ही होगा। क्या मतलब इनको जगाने से? मान्यवर, सोचना है, भाग रहा है आदमी, कहां जाना है पता नहीं है, कुछ नहीं सोचता आदमी की जीवन की मंजिल क्या है। जिंदगी को मत बदलो। अब सही है ना? अब लगा कि पुलक सागर बोल रहे हैं ना, पहले तो लग रहा था भंडारी जी का संचालन चल रहा है, और थोड़ा बहुत लग रहा था मंजू का चल रहा है ना, स्लो धीमी गति के समाचार। क्या करूं, सोचना है, विचार करना है। दुनिया को मत बदलो मेरे भाई, दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। जिन जिन ने दुनिया को बदलने का प्रयास किया वो दुनिया से विदा हो गए, ध्यान रखना। और जो जो दुनिया को नहीं अपने आप को बदलने को तैयार हो गए, वो जिंदगी का आनंद लेकर इस दुनिया से विदा हो जाया करते हैं। जिंदगी का आनंद लीजिए, बदलिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। कोई नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। बाप सोचता है बेटे को बदल दूंगा, बेटा सोचता है बाप को बदल दूंगा, सास सोचती है बहू को बदल दूंगी, और बहू सोचती है, और दोनों ही बदलने को तैयार। जब दोनों ही बदलने को नहीं है तैयार, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? बोलो, महाभारत। ध्यान रखना, अपने को बदलो, अपने को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, खुद को ही बदल सकते हो। भगवान महावीर ने कहा है, तुम्हारे पास केवल खुद को बदलने का अधिकार है, दुनिया को बदलने का अधिकार नहीं है। अपने को बदलो, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बदलो, दुनिया को बदलना है, दुनिया को जीतना है। एक बात याद रखना, पलकें झुकाकर जियोगे ना तो दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है, किसी की पलकों पे बैठना है तो अपनी पलकें झुकाना पड़ती हैं। आंखें उठा करके, आंखें दिखाकर तुम किसी के दिल में प्रवेश नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पर बिठा लेगी, बड़ा उल्टा गणित है। दुनिया पर निगाह डालोगे, दुनिया मुंह फेर लेगी, ध्यान रखना। और दुनिया से निगाह फेर लो, जिस दिन से मैंने दुनिया से निगाह फेरी है, हजारों की निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं, ध्यान रखना। और जब मैं तुमको देखता था, घर में था,
तुम तो ऐसे निकल जाते थे कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे जा रहे जैसे हमें जानते नहीं। ध्यान रखना, दुनिया से मुंह फेर लो, दुनिया अपने तरफ मुंह कर लेगी। मान्यवर, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, वो जब से इसे ठुकराया है ये पास आने को बेकरार है। जब से इसे ठुकराया है पास आने, जब से छोड़ा है ना तब से ये नहीं छोड़ रहे हमको, क्या करें? विचार करिए, जीवन का गणित उल्टा है। दुनिया पर नजर रखोगे दुनिया तुम्हें नहीं देखेगी। इतने सारे लोग बैठे हैं, किसे देख रहे हैं बोलो? किसे देख रहे हो? हमको देख रहे ना? इधर तो नहीं देख रहे ना? है नहीं, मेरी सभा में तो इधर देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं इतना अच्छा रिजल्ट बताता हूं कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती है। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। भगवान महावीर ने अपनी नजरें झुका ली, सारी दुनिया ने उन्हें नजरों पे बिठा लिया। ध्यान रखना, किसी की निगाहों में चढ़ना है ना तो अपनी निगाहें झुकाया करो। इसलिए अपने यहां हाथ चूमने की परंपरा नहीं है, अपने यहां चरण छूने की परंपरा है। लेकिन आजकल इतनी आधुनिक हो गई हैं महिलाएं कि हाथ तो नहीं चूमती, इतनी तो नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी हुई है कि इनको बोलो चरण छुओ तो घुटना छूती हैं। ध्यान रखना, वो पूरी झुकती नहीं है घुटने से, हाँ हाँ ओ धोख करूँ धोख करूँ धोख करूँ। अरे घुटने में क्या धोख कर रही है? कोई आज नीचे नहीं बैठ सकता है? बोले आजकल इतने घुटनों की बीमारी क्यों हो रही है? इस अस्पताल में भी इलाज हुआ, कल बताया कि यहाँ इलाज किया जाएगा घुटनों का। अरे मैंने कहा मेरा इलाज मान लो, वहाँ इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले क्या है? मैंने कहा रोज सुबह उठ के अपनी सासू के घुटने मत छुआ करो, चरण छुआ करो। चरण छुओगे तो आचरण मिलेगा, घुटना छुओगे तो घुटने का दर्द मिलेगा, और कुछ भी मिलने वाला। आदमी ऐसे झुकता है जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो, हमने बहुत एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर। अरे चरणों में झुकने का प्रयास करो। जो ध्यान रखना, घुटना छुओगे तो कोई तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा। कभी किसी सास को धोक देके देखना, हाथों से पकड़ेगी और बहू को ऊपर उठा लेगी। ध्यान रखना, चरणों में गिरो तो सामने वाला ऊपर उठाया करता है। जिंदगी में ऊपर उठना है तो झुककर जीने की कला सीख लीजिए। झुककर जी लिए तो जीवन महान हो जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आदमी 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 लोग मेरे पास आते हैं कमरे में, महाराज मैं आपसे ऊंचा बैठ जाऊं? मैंने कहा बिल्कुल बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं आपसे ऊंचे हम कैसे बैठे? तो मैंने कहा पूछा काहे को फिर, है बैठना भी है और पूछना भी है, है? मैंने कहा बैठना है बैठ जा। बोले नहीं आपसे ऊपर कैसे बैठे, बड़ा बुरा लगता है। मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं लगता आपको बुरा? मैंने कहा तुम मेरे से ऊपर नहीं सिर पे भी बैठ जा तो नमोस्तु तो लोग मुझे ही करेंगे, तुझे थोड़ी करेंगे। ध्यान रखना, ऊपर बैठने से क्या हो जाता है? ध्यान रखना कि मंदिर के शिखर पे कौआ बैठ जाए तो कौआ भगवान थोड़ी हो जाया करता है, भगवान तो भगवान ही रहा करता। तो ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप आराम से ऊपर बैठो। ध्यान रखना, सम्मान कुर्सियों में नहीं, सम्मान हृदय में हुआ करता है, सम्मान मन में हुआ करता है, सम्मान दिल में हुआ करता है, आस्थाओं में। ऊपर नीचे बैठने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ा कर। दो इंच ऊपर बैठ गए तो तुम महान हो गए, कोई महान नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, ऊंचे महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है, बल्कि महान लोग जहां बैठ जाते हैं वो स्थान महान हो जाया करता है, वो स्थान जगत के लिए पूजा का है? महान जगह पे बैठ के कोई महान होता है क्या है? यदि मैं आपको यहां बिठा दूं कि प्रवचन करो काला जी, सबसे पहले स्वर्ण उठ के चली जाएगी, दूसरे का तो छोड़ के हमें नहीं सुनना ये प्रवचन। ध्यान रखना है, स्थान महान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। महान आदमी जहां बैठ जाए, महान आदमी यदि धरती पर भी बैठ जाए ना तो महान लोगों की धरती पर पड़े चरण चिन्हों को लोग मस्तक से लगाया करते हैं। ध्यान रखिए, ऊंचा नीचा बैठने से महान नहीं होते हैं, महान होते हैं हम अपने स्वभाव से, महान होते हैं हम अपने व्यवहार से, महान होते हैं हम अपने नेचर से। कैसा नेचर है हमारा, ध्यान रखना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कुंडली देखते हो क्या? अरे मैंने कहा कुंडली ये काम मेरा कब से हो गया? बोले महाराज आप हाथ देखते हो क्या? मैंने कहा मैं हाथ देखना तो बिल्कुल नहीं जानता हूं, लेकिन चेहरा देखता हूं। ध्यान रखना,
जो हाथ देख के बताते मैं चेहरा देख के बता दिया करता हूँ। बोले महाराज फिर भी आप बताओ, कुछ तो बताओ। मैंने कहा क्या पूछना है? बोले मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा तेरा फ्यूचर क्या होगा? बोले मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। बूढ़े लोग रोते हैं मेरा अतीत कैसा था, और जवान रोता है मेरा फ्यूचर कैसा होगा। अरे मैंने कहा मैं महावीर के वंश में पैदा हुआ हूँ, मैं तो कहता हूँ कि अतीत हमारे हाथ में नहीं है, वह हाथ से निकल गया है, और भविष्य हमारे पास आया नहीं है। इसलिए नादान वर्तमान में जीले वर्धमान हो जाएगा, न भूत की चिंता करना। आज में जियो मेरे भाई, आज में जियो, कल का क्या पता है। सामान 100 बरस का पल की खबर है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या। अरे तब तक तू जिएगा क्या? कोरोना में कितने चले गए, और लहर आ गई तो अपना भी काम निपट जाएगा। विचार कर, सोचना है आपको क्या होगा क्या होगा। फालतू की चिंता फोकट का भार लेकर जी रहे हो। आज जियो, अभी जियो, इसी वक्त जियो। जो कुछ भी पाना है आज पाओ, अभी पाओ, इसी वक्त पाओ। अब ले लगे हैं नाशिक वाले, चौमासा कर लो, चौमासा कर लो, चौमासा कर लो। अरे मेरे भाई आज का तो मजा ले लो, फिर चौमासे का देखेंगे। आज का तो मजा ले नहीं रहे, चातुर्मास करो, चातुर्मास करो। अरे आज का मजा लो, अभी का मजा लो। यदि आज का आनंद ले लिया तो मैं कहता हूं संत के पास बैठा हुआ आधी घड़ी भी आनंद ले लिया, वह किसी चातुर्मास से कम नहीं हुआ करता है, वह किसी चौमासे से। आज ही जी लो, चौमासे तक क्या तुम रहोगे हम रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज मैं नहीं जीता आदमी, आज अपना। उस आदमी ने कहा मेरा फ्यूचर बताओ। मैंने कहा फ्यूचर यूपीआई मैं नहीं जानता हूं, मेरी तो कुछ परिभाषाएं अलग हैं। मैंने कहा एक बात बता, एक तेरे को फ्यूचर बदलना है। बोले हाँ, दो चार ज्योतिषियों ने कहा तेरा भविष्य तो बड़ा बेकार है। मैंने कहा मुझे भी लग रहा है देख करके। मैं ज्योतिषियों का विरोध क्यों करूं भाई, उनकी रोजी रोटी पे लात क्यों मारूं मैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, मुझे भी लग रहा है। तो बोले महाराज फ्यूचर बदल सकता है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं बदल सकता, बिल्कुल बदल सकता है। तो बोले कैसे बदलेगा? मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा नेचर बदल ले, फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। आदमी का नेचर ही उसका फ्यूचर हुआ करता है। यदि नेचर अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा है, और नेचर खराब है तो फ्यूचर बर्बाद है। ध्यान रखना, किंतु कैसा नेचर है तुम्हारा, कैसा व्यवहार है तुम्हारा। घर के चार लोगों से प्रेम से बात करते हो, मुस्कुरा के बात करते हो, बड़ों को सम्मान देते हो, या उलाहने देते रहते हो, या एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हो। ध्यान रखना, कोई स्वर्ग नहीं और कोई नरक नहीं है। अच्छा व्यवहार ही हमारा स्वर्ग है, और बुरा व्यवहार ही हमारा नरक हुआ करता है। व्यवहार बदल लो, व्यवहार बदल लो। दूसरों का नेचर बदलने का दुस्साहस मत करना, अपना नेचर बदलने का साहस पैदा करो अपने जीवन में। बदल लो ना अपने जीवन को, सोच ही तो बदलना है, और क्या करना है। विचार करिए, सोचिए। एक आदमी बोले, हम लोग सड़क से गुजर रहे थे, नग्न दिगंबर साधु हैं। एक आदमी बोला पागल जा रहा है, पागल पागल, ये कपड़े नहीं पहना है। हमारे साथ चलने वाले को बड़ी गुस्सा आई, बोले महाराज इसका मुंह तोड़ दें। मैंने कहा मेरे से पूछ के, मैं अहिंसा वाला हूं, तू मुझसे ही गवाही ले रहा, मुंह तोड़ दे। मैंने कहा मुंह मत तोड़ उसका। तो बोले क्या करे? मैंने कहा मूड बदल ले अपना। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा वो क्या कह रहा है? बोले पागल कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल राइट कह रहा है, मैं तो पागल हूं। बोले पागल हूं? बोले हाँ। मैंने कहा पागल में 3 अक्षर हैं, पागल। अरे जो पाप को गलाने में लगा है वो पागल हुआ करता है, और मैं संत हूं, मैं पाप को गलाने में लगा हूं। मैंने कहा सही तो क्या, उसने क्या बुरा कह दिया मेरे भाई। बोले ये लुच्चा जा रहा है। मैंने कहा क्या बुरा कह रहा है, मैं केसों का लोच करता हूं इसलिए लुच्चा हुआ करता हूं। ध्यान रखिए, संत गाली को गीत बनाना सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीत को भी गाली बना लिया करते हैं, और मैं पुलक सागर कहता हूं जो गाली को गीत बना लेता है वो ही महावीर के पथ पर चलने वाला संत हुआ करता है। विचार करना है, सोचना है आपको, क्या दिक्कत है। लोगों ने कुछ कह दिया, ए आपे से बाहर हो गए, लखनऊ के नवाब की औलाद हो क्या तुम। ध्यान रखना, हमको कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता भाई, कौन सा तुमको अधिकार मिला है? यहाँ तो मोदी जी को नहीं छोड़ते, तुम कहाँ लाइन में लगते हो। नहीं, यहाँ के मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। महान स्थान पर नहीं। एक बात याद रखना, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। एक बेटी थी, कितनी देर बोलना है मुझे,
बोलो, एक घंटा, उसके बाद घर में जाके तुमको खाना बनाना है क्या? नहीं, ये लोग तो यहाँ खा के जाएंगे। विचार करिए, एक लड़की थी, उसके पिता ने उससे बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार किया, करना ही चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई पिता अपने बच्चों से प्यार ना करे, बहुत प्यार करना चाहिए, और आजकल तो एक ही होती है तो ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बहुत प्यार किया, लेकिन माँ बाप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा पारिवारिक प्रवचन है आज का मेरा, कि इतना लाड़ मत करना, इतना लाड़ मत करना कि तुम्हारे लाड़ में उसका व्यवहार बिगड़ जाए। ध्यान रखना, बेटियों पर विशेष ध्यान दो, लड़कों पर भले मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इन पे क्या ध्यान देना, जितना ध्यान देना है बेटियों पर ध्यान देना। एक लड़की मेरे पास आई, बोले महाराज मेरे मम्मी पापा बहुत ख़राब हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा मम्मी पापा बदल ले। बोले वो कैसे बदल सकते? तो मैंने कहा फिर अपना नेचर बदल ले, दो में से एक चीज़ बदलना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा क्यों ख़राब है? बोले देखो ना, मेरा भैया रात को 10 बजे भी आए तो उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कैसे भी कपड़े पहने उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कितनी भी मस्ती करे उसको कुछ नहीं होता है। मैं थोड़ी सहेली के घर से डे लेट होकर आ जाऊं, मुझ पर 1000 प्रश्न की झड़ी लगा देती है। दादाजी कहते कहाँ गई थी, इतनी लेट क्यों हो गई? पापा कहते कहाँ घूमती रहती है, टाइम पे घर नहीं आती है, मेरे कपड़ों पे पाबंदी लगाई जाती है, मेरे घूमने पर पाबंदी लगाई जाती है, भैया कुछ भी करे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, मेरे ऊपर सबकी बंदिशें लगा दी जाती हैं, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, भैया रात दिन फेसबुक में लगा है, और मैं एक बार भी व्हाट्सएप चला लूं तो मेरी खाट खड़ी हो जाती है, ऐसे मम्मी पापा मेरे, मेरा तो जीवन दुभर हो गया है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, मैं क्यों लड़की बन करके पैदा हुई हूं। मैंने कहा लड़की का मूड बहुत ज्यादा ऑफ है भाई, बहुत ज्यादा खराब है। मैंने कहा बोले हर चीज पर मेरी पाबंदी है, हर चीज पर मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कहा एक बात पूछूं बेटा? बोले हां। मैंने कहा एक बात बता, तेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं दुनिया में, इससे अच्छे माँ बाप दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। सौभाग्यमान कि तुझे ऐसे माता पिता मिले हैं जो पूछते हैं बेटी तू कहाँ गई थी, जो पूछते हैं बेटी तू क्या खाती है, जो पूछते हैं बेटी तू क्या पहनती है। अरे बोली ऐसे कैसे अच्छे हैं, आप तो महाराज हैं, आपको क्या है, हमसे पूछो हम पे क्या बीतती है। मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर दे दे तुझे उत्तर मिल जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा एक बात बता, यदि आपके घर में हीरे की एक कड़ी है, हीरे का एक वो टुकड़ा रखा है। बोले हाँ महाराज है, एक डायमंड तो है। तो बोले मैंने कहा डायमंड है ना? बोले हाँ। मैंने कहा बता माँ बाप डायमंड को कहाँ रखते हैं? बोले एक डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बा के ऊपर एक और डिब्बा होता है, फिर एक अलमारी होती है, उसमें लॉकर होता है, उसमें इंटरलॉक भी हुआ करता है, उसमें ताले में चाबी में डाल के रखा जाता है। मैंने कहा एक बात बता, तेरी मम्मी जब बाजार से सब्जी लेकर आती है सब्जी कहाँ रखती है? बोले कहाँ रखती है? मैंने लॉकर में रखती है क्या? बोले नहीं, वो तो डोलची में पड़ी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, बेटियां घर का हीरा हैं और बेटे साग सब्जियां हुआ करते हैं। एक बात याद रखना, हीरे को संभाल के रखा जाता है और साग भाजी को ताली बजा दो। विचार करिए, सोचिए, सब्जी भाजी को कोई संभाल के रखता है क्या? हिफाजत से रखता है क्या? लड़कों की जिंदगी तो सब्जी भाजी की तरह है, माँ बाप की नजरों में, इनकी में तो पूछो ही मत, कोई है ही नहीं हिफाजत अपनी। ध्यान रखना, बेटी मर्यादा का हीरा होती है और कोई माँ बाप उस पर अंकुश लगाए ना तो बेटियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दोयम दर्जा मिला है, उन्हें ये सोचना चाहिए मेरे माँ बाप यदि मुझ पर रोक लगा रहे हैं तो मेरे माँ बाप की नजरों में बेटे से ज्यादा बेटी की कीमत हुआ करती है, जो कीमती होता है उसे संभाल। बोली महाराज ऐसी बात है? मैंने कहा ऐसी बात है। बोली मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा इसलिए रो रही थी, ध्यान रखना, अब सोच ले। दूसरे दिन आई, बोले महाराज सच कहते हो आप, मेरे माँ बाप जैसे माँ बाप दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान रखना, क्या बदलना है, नेचर बदलो, फ्यूचर बदल जाएगा, थोड़ी सी सोच ही तो बदलना है, कोई बड़ा भारी संसार थोड़ी बदलना है हमको, थोड़ा सा विचार बदल लो, थोड़ी सी सोच बदल लो। एक महिला आई, बोले मेरा पति बहुत खराब है। मैंने कहा किसका अच्छा है? पति कभी अच्छा होता है क्या? ये तो वो तो हमेशा ही खराब होता है, नासिक में कोई नई बात थोड़ी, ऑल इंडिया का पति खराब है, सारी दुनिया उसे अच्छा कहे, सारी दुनिया उसे बड़ा बड़ा सम्मान दे, पद्मश्री दे दे, पत्नी की नजरों में तो बुद्धू राम। ध्यान रखिए,
उसकी नजरों में कभी नहीं मिला करता है सम्मान है। तो बोले बहुत खराब है मेरा पति। मैंने कहा क्यों? बोले थोड़ा उसको सुधार दो। मैंने कहा क्या सुधारना है मुझे? मैंने कहा बिगाड़े तू और सुधारे हम। अरे बोले जन्म का बिगड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा उसको? माँ बाप से ही बिगड़ा आया है, ऐसा मिल गया मुझे खोटा सिक्का। अरे मैंने कहा कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आता है। बोले मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले देखो ना महाराज, पूरा नासिक आपके दर्शन को आ रहा है, जो देखो वो आ रहे हैं, जाति पाति पंथ वारे सब छोड़कर आपके दर्शन को आ रहे हैं। मैं भी जब से तुम आई हो रोज प्रवचन में आ रही हूँ। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है तुझे? बोले मोरे जो ये है ना ये। मैंने कहा ये क्या होता है भाई? अब हम लोग क्या जाने शादी विवाह की भाषा क्या होती है? मुझे मुझे थोड़ी मालूम कि ये माने पति। स्कूल में तो मैंने पढ़ा था ए फॉर एप्पल, नासिक में होता ए फॉर पति देव, है ना? यहाँ क्या यही तो बोलते हैं हमारे, ए है ना है? अहो क्या बोलते? हाँ आ रही है मराठी थोड़ी तो है। वो बड़ी प्यार से कहती अहो, वो कहता कहो। बोली मजे में रहो, ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। बोले मेरे जो पति देव है ना। मैंने कहा हाँ। बोले बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले सबके पति आते हैं प्रवचन सुनने, मेरा नहीं आता है। अरे मैंने कहा मत आने देना, क्या तो एकाध कुर्सी खाली रहेगी, क्या बिगड़ रहा है? भंडारी जी को बिठा देंगे उसमें, फिलिंग दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो बोले कि नहीं महाराज, थोड़ा देखो मजाक मत करो, मुझे सही बताओ, मेरा पति मंदिर नहीं आता है, आपके दर्शन को नहीं आता है, तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले सबके पति आते, यानी उसे ये मतलब नहीं है कि जो धार्मिक बन जाए, उसे ये मतलब है कि सबके क्यों आते हैं, सबके आते तो मेरा भी आना चाहिए, इस सोसाइटी में इज्जत का सवाल है, भगवान से तो उसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कहा मामला क्या? बोले नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। मैंने कहा तूने बोला नहीं होगा, एक बार ले आ मेरी सभा में, रोज रोज आएगा बिना बुलाए, ध्यान रखना। बोले नहीं नहीं वो आना ही नहीं चाहता है। तो मैंने कहा क्या करूं? बोले कि मैंने कहा फिर तब खराब पति क्यों चुना? बोले वो तो नारियल खरीदने के बाद पता चला कि सड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा ठोक बजा के देखती। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यहां से जब आप घर जाओ ना, तो उदास चेहरे लेकर नहीं, हंसते चेहरे लेकर के जाओ। यही जीवन का सत्संग हुआ करता है, हंसते मुस्कुराते हल्के मूड में। ऐसा सीरियस प्रवचन मत सुनो कि बिल्कुल बैठ गए ऐसे चुपचाप, पता चला महाराज बोले है जीव चार गति संसार में, पब्लिक बोली भटक रहा है, यानी आगे का प्रवचन पब्लिक को मालूम है, फिर क्रांति खड़ी नहीं हुआ करती है। मैंने कहा कि एक बात कर, तेरा पति? बोले नहीं ऐसे तो अच्छे। अब क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। बोले वैसे तो अच्छे। तो मैंने कहा कैसे खराब है? बोले ऐसे तो मुझे रोज लेकर आते हैं गाड़ी पे, छोड़ देते हैं, मैं प्रवचन सुनती हूँ और मंदिर जाती हूँ, वो चले जाते हैं, और जब मंदिर से मेरे जाने का समय होता है मुझे लेने आ जाते हैं। मैंने कहा पगली, इससे अच्छा पति किसको मिलेगा दुनिया में, इतना अच्छा पति? कई के पति तो ऐसे जो ना आते हैं और ना आने देते हैं। तेरा पति कितना किस्मत वाली है तू, एक बात याद रखना, जितना इंतजार तू मंदिर में भगवान का नहीं करती, उससे ज्यादा वो सड़क पे तेरा इंतजार करता है। इतना अच्छा पति दुनिया में किसे? धन्यवाद देना सीखो विचारों को, नहीं पति बोलो या बेचारा, दोनों पर्यायवाची हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ तो धन्यवाद दिया करो, कुछ तो खुश हो जाया करो इन पे। हाँ बजा दो ताली, देखो कितनी बजी आज पहली बार की, महाराज चौमासा कर लो, कोई सुधरे या ना सुधरे बीबी सुधर जाएगी, यानी बिगाड़ो तुम और सुधारे हम, ध्यान रखिए विचार। लड़की थी, बहुत प्यार किया उस सेठ ने लड़की को, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार इतना दुलार कि लड़की लाड़ लाड़ में जिद्दी हो गई, अहंकारी हो गई। ज्यादा प्यार मत करो, एक बात ध्यान रखना, प्यार तो करो लेकिन इतना भी मत करो, एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा मत करो कुछ भी, लिमिट का करो। लड़कियों पर ज्यादा जिम्मेदारी है आपको, लड़की को दो जीवन जीना है, एक पति के घर का जीवन जीना है और एक पिता के घर का जीवन जीना है। मैं तो कहता हूं कि बेटी का जीवन, लड़कियों का जीवन यदि सही तरीके से जिए तो किसी संत की तपस्या से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना।
कैसे वह एक अपरिचित घर को अपना लिया करती है, कैसे अपरिचित लोगों को अपना बना लिया करती है, कैसे परिचित जिसमें 20 साल 22 साल रही वो घर पराया हो जाता है, वो जिस घर को आज तक नहीं देखा वो घर उसे अपना लगता है। इतना बड़ा भावनाएं और इतनी बड़ी सद्भावनाएं ईश्वर ने केवल नारी के हृदय में दी है, किसी आदमी के हृदय में नहीं हुआ करती है। दूसरों को अपना लेना ये बहुत बड़ी बात हुआ कर, बहुत बड़ा ये जीवन का सूत्र है, ध्यान रखिए। लड़की इस बड़ी हो गई, एक पिता को चिंता हुई कि बेटी की शादी कर देना चाहिए। हर माँ बाप को चिंता होती है कि समय रहते बेटी का विवाह कर देना चाहिए। उस पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, समय कम है इसलिए कहानी ज्यादा नहीं खींचूंगा, तुम ही इतने खींच चुके होगे, कहानी खींच के क्या करूंगा। शादी कर दी उसने, एक अच्छे घर में विवाह किया, लेकिन लड़की थोड़ी जिद्दी थी, अहंकारी थी, 8 बजे सोकर उठती थी, सास बिचारी 4 बजे उठ जाती थी, बहू उठ रही है 8 बजे, जमाना ऐसा ही है, मेरी बातों में मत लगना, वो तो 8 बजे ही उठेगी, ध्यान रखना। नहीं तो एक बार एक दुर्घटना घट गई कि एक जगह शादी हो गई तो सुबह सुबह अम्मा जी झाड़ू लगा रही थी, तो बेटे को दया आई, यार इस उम्र में झाड़ू लगा रही है, पत्नी से तो कह नहीं सकता है। उसने कहा ला माँ मैं झाड़ू लगा देता हूँ। माँ ने कहा पागल है क्या, ये झाड़ू लगाना हम महिलाओं का काम है, तेरा नहीं, जा बेटा तू जा करके सो जा। बोली नहीं माँ झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ बोली नहीं झाड़ू मैं लगाऊंगी। बोली नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। बोले नहीं मैं झाड़ू। बात इतनी बढ़ गई, झाड़ू में खींचतान मच गई, बहू का मूड खराब हो गया, पूरी आवाज वहां तक पहुंच गई, फट से दरवाजा खोला, बोले अरे मूर्खो लड़का को रहे हो। बोले क्यों, सुबह सुबह झगड़ा कर रहे, मेरी नींद में डिस्टर्ब कर दिया है। बोले हुआ क्या, बोले कि क्यों लड़ रहे तुम लोग। अरे बोले सास बोली बहू तू जाके सो जा, सो जा, पंचम काल की कलयुग की बहू है, तू सो जा आराम से, झाड़ू मैं लगा रही हूँ। ये लड़का कह रहा मैं लगाऊंगा। लड़के ने कहा नहीं माँ मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी। बहुरानी भी बहुरानी थी, फैसला कर गई, बोले लड़ते काय को हो मूर्खो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो, हमने तो फैसला कर दिया, यानी हम तो लगाएंगे ही नहीं, ध्यान रखना लगाना तुम कोई है। मान तो लाड़ प्यार में पली थी लड़की, ऐसी आपकी लड़की ना हो जाए, ध्यान रखना। खैर आजकल की तो लगाती नहीं है झाड़ू, है क्या करें, लगाती है क्या, नहीं काय को झाड़ू लगाए बेचारा, आजकल तो केजरीवाल झाड़ू लगा रहा, अपन काय को लगाएंगे, वो लगा रहा झाड़ू, अपन सारी जिम्मेदारी उसने ले रखी है, महिलाएं तो और 15 अगस्त मना रही है, ध्यान रखना, विचार करिए। जो माँ की नहीं सुने वो राहुल गांधी होता है, जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव होता है, है? और जो बाप की नहीं सुने वो अखिलेश यादव होता है, जो किसी की नहीं सुने वो नरेंद्र मोदी होता है, वो जिसकी कोई ना सुने वो केजरीवाल होता है, ध्यान उसकी कोई सुनता ही नहीं है, ध्यान रखिए। मान्य शादी हो गई, 5-6 दिन भी नहीं हुए कि लड़की का पिता के पास फोन आता है, पिताजी जैसे भी हो, जैसे भी स्थिति में हो, मुझे लेने आओ इसी वक्त। पिता ने कहा यार अभी 4 दिन हुआ नहीं, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूं, कहां नरक में तुमने मुझे ढकेल दिया है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रहती। पिता ने कहा यार 4 दिन शादी नहीं हुई और ये 4 बर्तन खटखट खटखट आवाज करने लगे। पिता ने कहा बेटा चिंता मत कर, लड़की का पिता था, हृदय था, सहृदय था। बोले मैं आता हूँ तू चिंता मत कर। बेटी ने कहा जल्दी आओ वरना मुझे जिंदा नहीं पाओगे तुम। अरे बोले ऐसा हो क्या गया मामला। पिताजी पहुँचे, जैसे ही उसके घर ससुराल में पहुँचे कि बेटी के लिए जाना तो पड़ेगा, बेटी का बाप बनना कोई आसान काम नहीं हुआ करता है मेरे भाई, बेटी का बाप बनने के लिए बहुत झुकना पड़ता है जीवन में, बहुत सारी हमें अपने समझौते करना पड़ते हैं, बहुत सी भावनाओं का बलिदान करना पड़ता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि तुम्हारे घर में बेटा हो या ना हो, एक बेटी तुम्हारे घर में जरूर होना चाहिए, एक बेटी तुम्हारे अहंकार को तोड़ दिया करती है, एक बेटी आदमी को आदमी बना दिया करती है। पिता ने कहा क्या करूं, बेटी दुखी है जाना पड़ेगा। जैसे गया ससुराल में, जाकर के देखा कि समधन जी बैठी हुई थी, समधन समान धन,
दरवाजे पर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा अम्मा जी जय जिनेन्द्र मैं आया हूँ। अम्मा ने कहा सच आया है तो आया। अरे उसने कहा ये क्या बात है, इनके घर में इज्जत भी नहीं होती है, मेरी बेटी कैसे रहेगी। अंदर पहुँचे ससुर जी थे, उनने भी कोई जय जिनेन्द्र नहीं किया, राम राम नहीं किया, कोई सत्कार नहीं किया। उसने कहा मामला क्या है। दमान जी कंवर साहब देख करके मुँह फेर करके चले गए। देवर आया लड़की का वो भी चला गया, किसी ने पानी को नहीं पूछा। लड़की के पिता ने कहा मामला कुछ गर्म लग रहा है, स्थिति खतरनाक है, लेकिन नियंत्रण में कर सकते हैं अपन इसको, है ये तो पाकिस्तान की बॉर्डर बन रही है यहाँ पर। बोले क्या किया जाए। अंदर गया, सीधा वो अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने देखा पिताजी आ गए, लिपट करके रोने लगी, पापा पापा मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे लेकर के चलो। उसने कहा बेटा बात तो बता क्या हुई है। अरे बोले कहाँ के नरक में मुझे ला करके डाल दिया तुमने, इन्हें तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि इस जन्म का बदला ले रहे हो। बाप ने कहा भाई मामला क्या हो गया, इतना गर्म चार दिन में इतना माहौल बिगड़ गया। बाप ने कहा एक काम कर बेटा रुक जा, मैं तेरी सासू से पूछ लूं कि तुझे लेकर के जाऊं। अरे बोले उससे क्या पूछना, कल मुई से वो क्या बताएगी, उससे कुछ नहीं पूछना, चलो वो ही तो लड़ाई की जड़ है। अरे बोले लड़ाई की जड़ है। बोले फिर भी बेटा पूछना अपना फर्ज है, मैं पूछता हूँ। जैसे ही सासू के पास गया बोले बहन जी मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ, आप इजाजत दें तो मैं ले जाऊँ। उसने कहा कल का ले जाने वाला आज ले जाए, क्या फटाका दिया है बम विस्फोट हमारे यहाँ, जब से आई हमारा घर का सत्यानाश हुआ जा रहा है, आपस में प्रेम नहीं बचा है। अरे बोले अम्मा जी हुआ क्या। बोले पूछ ले अपनी बेटी से क्या हुआ है। बेचारे ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले और एक बात याद रखना, ले तो जा रहा है दोबारा है दोबारा। तुम क्यों बोल रही वापिस मत भेजना, ऐसा लग रहा तुम्हारे घर की कहानी सुना रहा हूं क्या मैं। बेचारा आगे का पहले ही बोल देते हैं, ध्यान रखते। बोले दोबारा यहां भेजना मत। लड़की का पिता था, नजरें झुकाए चला गया। एक बेटी ना समझी करे ना तो ससुराल में अपने माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखना। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा, किसी ने पानी को नहीं पूछा। पढ़ी लिखी बेटियों ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि पति का भी सम्मान रहे और पिता का भी सम्मान रहे, तो समझना हमने जिंदगी को सही तरीके से जिया है। ले गया पिता राक्ष, उसने पूछा पिता ने बेटी से, बेटी एक बात बता, चार दिन में ऐसा क्या माहौल बिगड़ गया, कितनी हंसी खुशी से शादी हुई थी। बोले एक बात बता बेटा कि तू ससुराल में है, कैसी है तेरी ससुराल। बोले दिखाई नहीं देता, नरक है नरक। बोले नरक। बोले हाँ। अच्छा बेटा एक बात बता, ससुराल नरक होगी, तेरा ससुर कैसा है। बोले एकदम राक्षस नंबर वन का। बोले ससुर राक्षस, ससुराल नरक। बोले बेटा तेरी सास कैसी। बोले डायन, सत्यानाश हो सास का, उसका नाम भी मत लो। अरे उसने कहा यार ससुराल नरक, ससुर राक्षस, सास डायन। उसने कहा एक बात बता तेरी वो ननंद कैसी है। बोले नंबर वन की चुगलखोर, चुगली करने वाली, यहां वहां लड़ाने वाली, भिड़ाने वाली, वो ननंद है ना, वो नंद नहीं गले का फंद है मेरा। अरे बोले यही तो लड़ाई कराती है सब जगह, आपको देखना नहीं था कि जिस घर में लड़की नहीं हो वहां मुझे देना था। अरे उसने कहा बेटा मुझे क्या मालूम ऐसी तेरी ननंद है। बोले एक बात बता कि तेरी ननंद तो खराब है, तेरा देवर तो अच्छा होगा। अरे बोले आवारा बदमाश घूमते रहता है, काय का अच्छा वो देवर। अरे बोले जेठ तो अच्छा होगा। अरे बोले धूर्त मक्कार। अरे बोले पड़ोसी कैसे हैं। अरे बोले LLB। बोले LLB। बोले हाँ LLB, लुच्चे लफंगे बदमाश। नहीं नहीं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो मुझ पे कोई केस ठोंक दे। वकील साहब नहीं आए क्या आज, विचार करिए। बोले सारे बदमाश। बाप को लगा कि सास खराब, ननंद खराब, देवर खराब, जेठ खराब, पड़ोसी खराब, घर नरक। उसे लगा, समझदार पिता था, कि मुझे लगता है अब खराब कोई नहीं, खराब ये बेटी ही है, ध्यान रखना। ऐसा बाप यदि हर लड़की को मिल जाए ना तो किसी भी लड़की का घर नहीं उजड़ सकता है, ध्यान रखना। कोई भी लड़की तलाक की दहलीज पर कदम नहीं रख सकती है। उसने कहा जरूर गलती मेरी बेटी की है। ले गया घर। अब घर तो चली गई, अब क्या होता है अपनी समाज में कि तेल जले तेली का और दिल जले मसालची का। एक महीने से ससुराल नहीं गई,
पड़ोसियों का पेट दुखने लगा, सहेलियों का पेट दुखने लगा, आजू बाजू वाली पूछने लगी क्यों लेने नहीं आ रही क्या, अरे तुझे क्या पड़ी, आ रही नहीं आ रही, बाप रख रहा है, पड़ोसी का दिल जल रहा है। मैं मंदिर जाए तो उसकी सहेलियां पूछे क्यों रही तू गई नहीं, महीना भर हो गया। अरे उसने कहा धत्ती रे की मैं अपने बाप का खा रही, तुझे तकलीफ काहे की हो रही है, लेकिन क्या करे समाज में अपने घर से ज्यादा पड़ोस की चिंता हुआ करती है, अपने घर में क्या हो रहा पता ही नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है, उसकी सहेलियां मिले उसकी भाभियां मिले, अब रहते रहते क्या होता है जो ज्यादा पीहर 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 करती हो ना, दो चार महीने रह लेना भाभी के व्यवहार बदल जाएंगे तुम्हारी जिंदगी के, ध्यान रखना भाई का व्यवहार बदल जाएगा, दो चार दिन का पीहर अच्छा लगता है, ज्यादा दिन पीहर में मत रहना ध्यान रखना, नहीं तो वो पीहर जो पीहर पीड़ा हरता है ना, वो पीड़ा के गहरे घाव भी दे। अब बहुत अफसोस, भाभी को तो पता चल गया कि अभी ननन जाने वाली नहीं है, वहां की महाभारत यहां ट्रांसफर हो गई है, बड़ी मुश्किल से तो हमने वहां भेजी थी, भाभी ने कहा धत तेरे की ये यहीं रहेगी, बोले हाँ। भाभी का व्यवहार पहले तो कहती थी आओ दीदी आओ चाय पी लो नाश्ता कर लो, अब तो ये दीदी जाने वाली नहीं है, बोले क्या किया जाए, व्यवहार बदल गया भाभी का, जैसे ही चाय मांगे भाभी बोले उठ के पी और हो सके तो एक प्याला मेरे लिए भी। अरे उसने कहा ये क्या हुआ, दो महीने में कहानी यहां की भी बदल गई, वो भी नरक और ये भी, अब कहां जाओगी बेटियों भाग करके, है भाई का व्यवहार बदल गया, पहले आके दीदी 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 दीदी, अब दो महीने से रही तो काहे की दीदी बीबी 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 बीबी, बीबी भी बोले ज्यादा दीदी दीदी मत किया कर, यही रहेगी ये जाएगी कहां, बहुत परेशान हो गई। मंदिर में जाए तो लोग उसको टोंके, जहां जाए वहां लोग बोले, उसका तो जीना हराम हो गया, जहां देखो वहां, मंदिर जाए साधु संतों के पास जाए, जहां जाए वही पूछे और तेरा ससुराल कैसा, बोले धत तेरे की ससुराल, जहां देखो वहां ससुराल आ जाता है। लोगों ने कहा यार चार दिन शादी नहीं हुए, दो महीने से यहीं बैठी है, क्यों छोड़ छुट्टी हो गई क्या, तलाक हो गई क्या, नहीं बनी क्या, अरे उसका तो जीना हराम हो गया, मोहल्ले ने परेशान कर दिया। अब ये परंपराएं अच्छी हैं या बुरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी लड़की का घर बसाना है और पड़ोसी टोंकते हैं तो कभी कभी ये रीति भी बहुत अच्छी हो जाया करती है, जीवन को संदेश दे जाया करती है। उसका तो जीना हराम हो गया, वहां जा नहीं सकती और यहाँ रह नहीं सकती, करे क्या बेचारी, परेशान हो गई। अच्छा हुआ मैं मिल गया होता तो यहाँ बिठा देता उसको, कि लफड़े ही छोड़ना पीहर और ससुराल का, ऐसी माता जी बन जा कि पीहर भी पैर पड़े और ससुराल भी पैर पड़े, लेकिन मेरे चक्कर में वो आई नहीं, आ नहीं सकती ना, ये लोग कितना भी दुखी हो जाएं जिएंगी वहीं, ध्यान रखना, विचार करें, सोचना है आपको। क्या हुआ, एक दिन उदास बैठे थे, पिता ने कहा बेटा क्यों उदास हो, क्या बताऊं पिताजी मन नहीं लग रहा है, शांति नहीं है भीतर। पिता ने कहा अपने नासिक में एक महाराज आए हैं, तो बोले क्या करूं, बोले चल उनसे कुछ पूछते हैं, आ मत जाना तुम लोग, मैं तो दिन भर लाइन लगे पूछा पाछी की, लड़ो झगड़ो तुम और अदालत में, मैं आ जाऊं तो चांदीवाल साहब का क्या होगा फिर, वो किसको निपटाएंगे फिर, ध्यान रखें, नहीं तो तुमने प्रवचन सुन लिया कल से लाइन लग जाए यहाँ कि हमारी भी बीवी से हम परेशान हैं, ये तो तुमको वरदान है काहे के परेशान हम। बोले एक महाराज आए हैं, चल उनसे कुछ पूछ लेता। बोले मेरा महाराज महाराज में इंटरेस्ट नहीं है, यदि संतों में इंटरेस्ट ले लेती ना तो पीहर भी सुधरता और ससुराल भी सुधरती, ध्यान रखिए, उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। बोले मुझे नहीं जाना महाराज के, अब वो क्या करेंगे बाबा बैरागी, उनके तो ना आगे कोई ना पीछे कोई, ज्ञान बांट देंगे और अपन आ जाएंगे। बोले एक काम कर बेटा मैं मिल के आता हूँ, अच्छे संत हैं पहुँचे हुए संत हैं, मैं उनसे कुछ उपाय, हाँ बोले आप पूछाओ, आपको काम भी क्या है फालतू व्यथे रहते हो घर में, जाओ उससे पूछ के आओ महाराज से। गया लौट करके महाराज से पूछ के, जैसे ही बेटी के पास पहुंचा, बेटी एक बात बताऊं, बोले हाँ, तू यदि तेरी ससुराल बदल जाए तो तू जाने को तैयार है, अरे बोले क्यों नहीं, बोले बदलेगी कैसे पापा, बोले सारी हुकूमत तुझे मिल जाए, घर की चाबी तुझे मिल जाए, सारे हिसाब किताब तुझे मिल जाए, अरे बोले अंधा क्या चाहे दो आंखें, यही तो मुझे चाहिए था, और चाहिए क्या था कि वो जो मुझे इतना खटकता था पापा, वो हमारी सासू के कमर में लटकती हुई चाबी, ऐसा लगता था कि चाबी वही रहे कमर बदल जाए,
मेरे अंडर में सब आ जाए तो मैं तो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। तो बोले बेटा यदि ऐसा कुछ हो जाए तो ससुराल जाएगी? बोले बिल्कुल जाऊंगी पिताजी, क्यों नहीं जाऊंगी। तो बोले काम कर, इसके लिए थोड़ी सी तपस्या करना पड़ेगी। बोले क्या तपस्या? बोले देख, एक महाराज ने एक मंत्र दिया है मुझे। देखो पापा ये मंत्र मंत्र ये सब लफड़ा अपने से होने। नहीं बेटा तू मत, जपूंगा मैं, फल तुझे मिलेगा। अरे बोले मजा आ गया, ऐसे महाराज बाप जपे बेटी को फल मिले। बोले ऐसे महाराज का चौमासा कौन बोला नासिक में ही करा लो, ध्यान रखिए। मंत्र जपे बाप फल मिले बेटी को। बोले बेटी लेकिन तुझे एक साधना करना पड़ेगी। बोले क्या साधना? बोले जो कहोगे मैं कर लूंगी। बोले पूरे ससुराल में राज करेगी, ध्यान रखना, दिलों में राज करेगी, पूरी हुकूमत मिल जाएगी। बेटी ने कहा पापा जल्दी बताओ क्या करना है। बोले तुझे पीहर में रहना? नहीं नहीं नहीं, भाभी बड़ा माता फड़ो करती है, मुझे तो जाना है वापस। तो बोले एक काम करना बेटा, 2 महीने की साधना है। 2 महीने? बोले हाँ। बोले क्या करना है? एकासन करना है। बोले नहीं नहीं, तो क्या करना है? मांसखमण करना। बोले नहीं ये भी नहीं करना है। तो क्या करना? बोले तू तो जम के खा, काय का टेंशन, तपस्या तो मैं करूंगा। बोले बस तुझे एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुझे किसी को जवाब नहीं देना है, एक साधना करना, कोई कुछ भी बोले, बस 2 महीने की बात है, किसी को जवाब मत देना, किसी को बदतमीजी से बोलना। बोले कितने दिन पापा? बोले 2 महीने। कठिन है क्या? बोले नहीं नहीं, 2 महीने कर लूंगी, उसके बाद नहीं छोड़ूंगी मैं, ध्यान रखना। बोले नहीं टेंशन मत ले, 2 महीने बस। गए पिताजी लेकर के गए, सासू बैठी थी, फिर आ गई ये महाभारत। गए सासू ने कहा समसम दीजी, मैंने मना किया था ना, इसको दोबारा यहां लाना नहीं। नहीं गई, सासू के पैर पड़े, सासू ने देखा बोई वाली है या दूसरी है। मैं पहले तो सीधे मुंह बात नहीं करती थी, ये पैर पड़ रही है, ससुर जी के पैर पड़े। सासू ने कहा गड़बड़ घोटाला है क्या है? ससुर ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि समधिन जी एक मौका दीजिए, एक मौका, एक मौका, मेरी बेटी से गलती हो गई। बोले ठीक है चलो एक मौका दे देते हैं। उसके लड़के को भी कौन सी दूसरी मिल रही थी, वो भी तो इंतजार ही कर रही थी जैसे तैसे बात बन जाए, बदनाम हो जाएगा, दूसरी मिलेगी नहीं। तो सासू भी कम थोड़ी थी, नासिक की थी वो भी, है ना, क्या किया जाए, क्या करें। एक मौका, एक मौका। बेटे पिता ने कहा बेटी तू रहे, मैं घर जाता हूं, कुछ दिक्कत हो तो फोन करना। बोले हाँ टेंशन मत लो, 2 महीने की तो बात है पिताजी, क्या बिगड़ता है अपना। सुबह 5 बजे उठी, कितने बजे उठती थी? 8 बजे। आज कितने बजे उठ गई? जाकर किचन में काम करने लगी। सासू ने नंद से कहा बेटा देख किचन में कौन है, बर्तनों की आवाज आ रही, कोई बिल्ली इल्ली घुस गई है क्या? बोले नहीं बिल्ली नहीं मम्मी, अपनी बिल्ली घुसी है। तो बोले कर क्या रही है? बोले पता नहीं क्या कर रही है। सुबह से उठी, किचन साफ किया, मुंह हाथ धोया, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, पोहे बनाए, जलेबी बनाया। ये नहीं चलता ना तुमको, कौन बोला थाल पीट कब खिलाओगे, ध्यान रखिए। बनाया बेहतरीन और नाश्ता लगा के सासू से बोली अम्मा जी नाश्ता कर लीजिए। अरे उसने कहा यार ये मामला क्या है, ये तो 8 बजे सो के उठती थी, नाश्ता तैयार है। ससुर से बोली पिताजी आइए भोजन कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। एक गिलास में पानी लेकर आ रही थी, अचानक गिलास गिर गया, टूट गया। अब टूट गया तो ससुर तो अपने अंदाज में बोले अंधी है क्या, दिखता नहीं है, गिलास तोड़ के रख दिया, कांच का प्याला तोड़ के रख दिया। बेटी ने कहा बुढ़े 2 महीने की बात है, बस 2 महीने, मेरे बाप का वचन है, शब्द दिया है, वरना ये गिलास नीचे नहीं तेरे सिर पे फूटता। उसने कह दिया पिताजी सॉरी गलती हो गई, आगे से देख के काम करूंगी। पिता ने देखा क्यों री तेरी जुड़वा बहन है क्या, है तू तो वो नहीं लग रही है। बोले बेटा पता चलेगा 2 महीने बाद तुझे मैं कौन हूँ, अभी तो मैं शांत हूँ, कोई टेंशन मत ले।
देवर देवर करने लगी, ननन ननन करने, दीदी दीदी दीदी, देवर को भैया भैया भैया, भैया भी मजे में आ गए, अब तो रोज लस्सी मिल रही है पीने को, भाभी बना के रख रही है। भैया भी दुकान से जब लौट के आता, माँ अपनी पत्नी अपनी भाभी के लिए पान लगवा करके लाता, मीठा पान, ध्यान रखना। एक आदमी ने मुझसे पूछा, दुनिया में हर काम सीधा होता है, काला जी जरा ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम की है। बोले हर काम दुनिया में जब सीधा होता है, गाडरवारा सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा है, बोले दुनिया में हर काम जब सीधा होता है तो पान पे उल्टा चूना क्यों लगाया जाता है, पान का पत्ता ऐसा इसमें उल्टा करके चूना लगता है, तो मेरे से पूछा कि पान पे उल्टा करके चूना क्यों लगाते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही लगाते, बोले क्यों, मैंने कहा चूना उल्टे ही लोगों को लगाया जाता है, सीधों को कौन चूना लगाएगा, ध्यान रखना। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखिए, विचार करना है। बोली बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल चेंज हो गई। बोली मैं दिन भर लगाता हूँ चूना, है ना, नहीं नासिक वालों को नहीं लगाता हूँ, ये तो सीधे पान है, ध्यान रखना, विचार करिए, बिल्कुल चेंज। देवर पान लेके आने लगा, ससुर जी बाजार से लौटते तो मीठा लेकर के आते। अरे ससुरो तुमसे निवेदन है, घर लौटो तो खाली मत लौटा करो, नहीं तो चले आते खाली हाथ लाए हुए। तुम चाहे तो तुम्हारी बहू इंतजार करे तो कुछ ना कुछ नाश्ता लाया करो दुकान से जब लौटो तो बेचारी इंतजार करेगी, आप गुलाब जामुन आएगा, चमचम, खाली हाथ गए और खाली हाथ आ गए तो बहू को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। गलतियां दोनों तरफ से हुआ करती हैं। सासुओं से भी निवेदन है, कहीं घूमने चली जाओ, बाहर चली जाओ, दूर की यात्रा करने जाओ, शॉपिंग करने तो जाती हो, तुम तो उसके बिना रहती नहीं हो, है गाँव की औरत होगी तो शहर में शॉपिंग करेगी, बम्बई की होगी तो वो गाँव में शॉपिंग करेगी, शॉपिंग बिना तो ये रहती नहीं है। एक बात याद रखना पुलक सागर की, जब भी लौटो अरे अपनी बेटी के लिए साड़ी लाना भूल जाओ, लेकिन बहू के लिए साड़ी लाना कभी मत भूलना। बहू तुम्हें बहुत प्यार इंतजार करेगी, फोन करेगी, मम्मी जी कब आ रही हो। खाली चली जाओगी तो कोई इंतजार नहीं करेगा, ध्यान रखना। कितने ससुर नियम ले रहे हैं अपनी बहू के लिए, बाहर से कुछ ना कुछ लेकर के आए। तेरे की एक भी एक जिंदा है, क्या बात है, तुम्हारी बहू बहू नहीं बहू रानी बन के रहेगी, ध्यान रखना। बाकी की तो फिर महाभारत चल ही रही है, ध्यान रखना। जरूर लेकर के आओ, दुनिया जिंदगी है ये, प्यार दो, प्यार लो, दोगे तो मिलेगा ना प्यार, मांगने से भीख में प्यार नहीं मिला करता है, भीख में पैसे मिल जाते हैं लेकिन प्रेम की भीख नहीं मिला करती है। प्रेम की तो वो तासीर है, जितना लुटाओ उतना लौट करके वापिस आता है, ध्यान रखिए। रोज इंतजार, भाभी भाभी भाभी, वो ननन जो रोज लड़ाती थी मंजू, वो दोस्ती हो गई उसकी, नहीं मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ सीनियर सिटीजन है ना, रिटायर्ड हो गई है, बहुत ज़रूरत है तुम्हारी, यहाँ दीक्षा मत लेना, नहीं तो चार दिन से दीक्षा मांग रही है। बहुएँ इतनी खुश हैं कि महाराज के मूड में हो जाए तो फ्री में ही काम सलट जाएगा, ध्यान रखना, है ना, विचार करिए, सोचना है आपको। इतने खुश हो गए सब लोग घर के, दो महीने हुए, तीन महीने हुए, एक दिन सासू ने कहा, बेटी मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मेरे से घर नहीं संभलता है, बेटा तू इस घर को संभालना। अपनी चाबी ली और बहू के हाथ में, अरे बहू ने कहा, वाह रे महाराज, कर दिया कमाल, आ गई चाबी मेरे, अब आ गए मजे पापा जी। बोले हाँ, बोले थोड़ी साधना और रखो, थोड़ी बाकी है, हाथ ही निकल गया, पूछ बची है। बोले क्या किया बेटा, क्या हाल है? अरे बोले बड़े मजे आ रहे हैं मुझे तो यहाँ पर। बोले क्या हुआ? ससुर जी ने बुलाया, बेटा इधर आओ, आज से ये धोबी का पैसा तुम दोगी, कपड़े का पैसा तुम दोगी, झाड़ू वाले को तुम दोगी, आज से सारे हिसाब किताब, दूध वाले का हिसाब किताब तुम रखोगी। बेटी ने कहा, यार बचा क्या, गद्दी भी मिली और मंत्रिमंडल भी मिल गया अपने को पूरा। अरे बोले वाह महाराज, काय बड़ा गजब किया तुमने, कैसा मंत्र दे दिया मेरे बाप को, बेचारा वो पढ़ रहा है, ऐसा अपन कर रहे हैं, मामला बदल गया।
जैसे ही लड़का घर आया, दामाद जी आए, उसने अपनी माँ को पैसा दिए। माँ ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वो घर की लक्ष्मी है ना, उसके हाथ में लक्ष्मी दे दे, बरकत हो जाएगी। आज की बात पैसा मुझे मत देना, बहू पैसा संभालेगी। अरे इसने कहा, अब तो मजे, लक्ष्मी भी मेरी, सब मेरे हो गए। सब गुणगान करने लगे, सारे लोग प्यार करने लगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आया, पीहर से भाई आया, बोले बहना चल घर राखी बांधना है। तो उसने कहा, एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी अम्मा से पूछ लो कि मुझे ससुराल पीहर जाना है कि नहीं जाना। बोले अरे तू तो कह रही थी कि भाड़ में जान दे, उसको क्या पूछना। बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है बेचारी, बहुत सेवा करती है, कहीं भी जाती मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है, जाओ पूछ करके आओ। उसने कहा कि अम्मा जी, अपनी बहन को रक्षाबंधन पर ले जाओ। बोले बेटा, तेरी बहन बहन नहीं, घर की लक्ष्मी है, उसके बिन घर सूना सूना हो जाएगा। एक काम करो, राखी के दूसरे दिन ही वापिस भेज देना। विचार करिए, पहले कह रही थी कि अभी दोबारा कभी भेजना मत। जाने लगी, सासू के पैर छुए, ससुरे के पैर छुए, सबको प्रणाम किया, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी, चिंता मत करना। देवर बोला, भाभी जल्दी आना, जल्दी आना। अरे बोले जल्दी आऊंगी, अपने जैसी एक तेरे लिए भी लाऊंगी। विचार समझ गए क्या? हर देवर नहीं फंस जाना इस चक्कर में, ध्यान रखना। जैसे ही घर गई, पीहर पहुंची, पिता ने पूछा, बेटा ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग। बोले पिता, बेटा तेरे ससुर कैसे हैं, वो राक्षस तुम्हारा? बोले पिताजी ऐसा मत बोलो, तुम्हारी कमी पूरी करते हैं वो, मुझे ससुराल में कभी तुम्हारी भी याद नहीं आया करती है। और बोले वो डायन सासू? अरे बोले डायन मत बोलो, मम्मी से ज़्यादा प्यार करती है मुझे, मम्मी से पूछना कभी मेरे लिए कुछ लेकर आइए, हमेशा वह मुझे लेकर के आती है। और बोले वो तेरा पति यमराज? अरे बोले भला है बुरा है जैसा भी है, यानी भला बुरा तो बोलोगी, मैं अभी पूरा चैन नहीं पड़ा है, भले ही भला बोल देती। बोले जैसा भी है मेरा देवता है। बोले बेटा एक बात बता, वो आवारा देवा? अरे बोले आवारा मत बोलो, लक्ष्मण जैसा देवर है मेरा, ऐसा करता है, भाभी भाभी कहते उसका गला नहीं सूखा करता है। और बोले वो चुगलखोर ननद तेरी? अरे बोले मत बोलो, छोटी बहन से ज्यादा मुझे प्यार करती है। और बोले जो पड़ोसी थे लुच्चे लफंगे? अरे बोले नहीं पिताजी, ऐसा पड़ोस तो दुनिया में जन्म जन्म के पुण्य से मिला करता है। तो बोले बेटा अब ससुराल जाएगी? बोले अब ध्यान रखो, अब मैं पीहर नहीं आऊंगी, ध्यान रखना। मान्यवर, पिता ने बेटी को गले से लगाया और कहा, बेटा आज तूने मेरी साधना सफल कर दी, आज तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, आज तूने मुझे योग्य बेटी के बाप का दर्जा दे दिया। बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सीना गर्व से फूल गया है। बेटी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले वो मंत्र कौन सा दिया था महाराज ने? अरे बोले कौन सा, तू काय को लफड़े में पड़ी, सुधर गई ना स्थिति? बोले नहीं नहीं नहीं, बता दो वो मंत्र कौन सा दिया था, बड़ा प्रभावी मंत्र है। बोले मंत्र फंत्र कुछ नहीं दिया बेटा। तो बोले आपने साधना कौन सी की थी? बोले मैंने तो कहा था साधना तो तू कर रही थी। बोले क्या कर रही थी? अरे बड़ों का सम्मान और प्यार से बोल रही थी, इससे स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं। बेटी तूने जीवन को सार्थक कर दिया है। मैं नासिक के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई कोई ससुराल बुरी नहीं होती और कोई पीहर बुरा नहीं होता है, आदमी का व्यवहार बुरा होता है, आदमी का नेचर बुरा हुआ करता है। एक बात पुलक सागर की याद रखना, अपनी जिंदगी में मकान बदलने से दुनिया नहीं बदला करती है, व्यवहार बदलने से दुनिया बदल जाया करती है। क्लास कक्षा के क्लास रूम बदलने से कक्षा आगे नहीं बढ़ा करती है, बुद्धि को बढ़ाओ कक्षा आगे बढ़ जाया करती है। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, जो घर आपको नरक लग रहा है मेरी ये बात याद रखना, कुछ दिन बाद यही घर आपको स्वर्ग लगने लगेगा। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा सोच बदलना है, इतना सा सोच बदल लो। मैं कहता हूँ नादान है वो लोग जो कहते हैं दुनिया में दुखी दुख हैं, मैं कहता हूँ इस खूबसूरत दुनिया से बड़ा सुख शायद स्वर्गों में भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। दुख हमारी सोच में है, दुख हमारे विचारों में है, दुख हमारे चिंतन में है, इससे बड़ा सुख कहाँ होगा दुनिया में। मानव तन मिला, मनुष्य की देह मिली और आदमी दुखी जीवन जिया करता है, रो रो करके जिंदगी जीता है। नहीं मेरे भाई, जिंदगी को संभालने का प्रयास करिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करिए।
वस्त्र बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी, नेचर बदलने से जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। एक ही सूत्र आपको मैं दे रहा हूं, अपना व्यवहार बदलने का प्रयास करो। नकारात्मक सोच मत लाओ, मेरा प्रवचन सुन के ये मत कहना हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता है। अरे तुम में तो वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती हो, ध्यान रखिए। एक दिमाग से निकाल लो कि हमसे ये नहीं होगा, जब तक ये रहेगा तब तक जीवन में कुछ भी नहीं होगा। अरे ये सोच करके जियो, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता है, हर काम आदमी ही किया करता है, हर ऊंचाइयों पर आदमी ही तो चढ़ता है, घर को स्वर्ग आदमी ही तो बनाया करता है ना। माननीय मेरा आपसे निवेदन है, नकारात्मक सोच को बदल दीजिए, बदल दो अपने क्रियाकलापों को, बदल लो अपने बोलचाल को। और पूरा शरीर नहीं बदलना है, केवल ये जुबान बदलना है बस। सारे झगड़े जुबान के हुआ करते हैं, इसको यदि आपने बदल लिया तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। मान्यवर मेरा निवेदन है, मेरी किताब आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी की किताब जरूर पढ़ा करो, जीवन आपका सार्थक और सफल हो जाएगा। जीवन को बदलने का प्रयास करिए। मान्यवर एक लड़की ने नरक जैसे घर को स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। 10:30 बज गए हैं, है ना, बंद कर दें, चालू रखें। अच्छा हमारा समय हुआ, अच्छा तुम्हारा कोई बात नहीं। देखो समय की एक सीमा होती है, लेकिन जो बात जो संदेश मैंने तुम्हें देने का प्रयास किया है, पत्थरों के मंदिर नहीं घर को मंदिर बनाओ। घर के लोग किसी देवी देवता से कम नहीं हुआ करते हैं। अरे प्यार से बोलना सीख जाओ, जानवर भी हमारे बस में हो जाया करता है, ये तो इंसान है। मान्यवर एक मीठी धुन बजा दी जाए, एक बीन बजाओ तो जहरीला सांप भी पिटारे में आ जाया करता है। एक प्रेम के गीत सुनाओ तो जानवर भी आनंद से भर जाते हैं। क्या ऐसा एक गीत हम नहीं सुना सकते? कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, मैं पूरी दुनिया के साथ एडजस्टमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। घर में 4 लोग होते हैं, जो 4 से नहीं बना सका वो 1000 से क्या खाक बनाएगा अपनी ज़िंदगी में। 4 लोगों को सुखी रखिए, जीवन आपका सार्थक होगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महा